एस पे लाइन स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत ईवीएम को लेकर। जी हां, आगामी समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले ईवीएम का मसला क्यों उठ रहा है और क्या है ईवीएम का मसला और क्यों विपक्ष इसे हवा देने का काम कर रहा है। दरअसल देखने को ये मिल रहा है कि अभी हाल ही में 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए उसको देखकर विपक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है कि 4 राज्य में बीजेपी कैसे जीत गई, क्योंकि जनता का जो माहौल देखा जा रहा था, जनता जिस तरह सरकार को लेकर बात कर रही थी, जिस तरह बेरोजगारी को लेकर बात कर रही थी, महंगाई को लेकर बात कर रही थी, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बात कर रही थी, उसे देखकर तो ये माना जा रहा था कि जनता जो है वो बीजेपी से नाराज है और बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करती नजर आएगी। लेकिन ये देखने को मिला कि 4 राज्य में बीजेपी जिस तरह जीती उसके बाद विपक्ष ये कह रहा है कि ईवीएम के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्यादा ईवीएम को लेकर बात नहीं की जा रही, लेकिन कांग्रेस ने कुछ समय पहले ईवीएम को लेकर बात की थी। लेकिन समाजवादी पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर है, तो ये जैसे जो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता, तमाम नेता अभी भी विपक्ष को, जो विपक्षी नेता है अभी भी ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इनका मानना है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है और आने वाले जो समय के चुनाव है ना उसमें भी ईवीएम को ही दोष दिया जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी आज धर्म और जाति की राजनीति कर रही है, इसके साथ ही साथ ईवीएम का कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। दरअसल साल के अंत में गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में माना जा रहा है कि इन चुनावों को जीतने के लिए बीजेपी बहुत बड़े हद तक ईवीएम का इस्तेमाल कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि ईवीएम कहीं ना कहीं अब शक के घेरे में दिखता नजर आ रहा है। चुनाव आयोग साफ तौर पर कह चुका है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जनता के मन में अब शक पैदा होना शुरू हो चुका है। जनता भी कह रही है कि शायद कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी है और इसीलिए बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग कही जा रही है। अब देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग विपक्षी पार्टियों की बात को मानते हुए बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।